हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 45 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जोंगकुक कार में बैठकर सोच में डूबा हुआ था, तभी उसके मोबाइल पर जिमिन का कॉल आ जाता है। जोंगकुक कॉल रिसीव कर कान पर रखते ही जिमिन कहता है, कुकी तुम कहाँ हो? जोंगकुक कहता है, ह्योंग मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। जिमिन कहता है, इतने सुबह सुबह, वो भी बिना बताए, क्या तुम अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हो या फिर इबो से? मैंने सुना है इबो तुम्हारे साथ ही सिंगापुर आया है। जोंगकुक कहता है, हाँ वो फ्री था इसलिए मुझे सरप्राइज देने आया था, लेकिन मैं अभी इबो से मिलने नहीं जा रहा हूँ। जिमिन कहता है, कल तुम बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहे थे, क्या कुछ हुआ है? जोंगकुक कहता है, ह्योंग आपको पता है मेरा न्यू बिजनेस पार्टनर कौन है? ह्योंग मेरा न्यू पार्टनर तयंग है। यह सुनकर जिमिन के आंखें वाइडन हो जाता है। जिमिन कहता है, क्या तुम तयंग से मिली? उसने तुमसे कोई बदतमीजी की? क्या वो तुम पर फिर से गुस्सा किया या फिर मिसबिहेव किया? जोंगकुक कहता है, नहीं ह्योंग, मैं बाद में घर आकर बात करूँगा इस बारे में, ठीक है? अभी मैं रखता हूँ, मुझे अभी सच में काम है। जिमिन कहता है, तुम कहाँ हो इस वक्त? क्या तुम तयंग से मिलने जा रहे हो? जोंगकुक कहता है, लेकिन आपको वारी करने की ज़रूरत नहीं है, तयंग और मेरे बीच में अब सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। उसे न्यू डिज़ाइन को लेकर कुछ डिस्कशन करना है, इसलिए मैं उसके घर जा रहा हूँ। ये सुनकर जिमिन और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिमिन कहता है, वॉट नॉनसेंस, तुम किम तयंग के घर जा रहे हो? तुम उन सबका सामना कैसे करोगे? वह बच्चे होंगे, तुम खुद को कैसे कंट्रोल करोगे? तयंग के सामने तुम कमजोर पड़ जाते हो, ये तो कीड है जोंगकुक। जोंगकुक कहता है, ह्योंग आपको पता है तयंग कितना ज्यादा नॉटी था जब वो कीड था? मॉम ने बताया तयंग पूरा दिन सबको तंग करता था और सभी मेड और सर्वेंट को पीछे पीछे भगाता था। ह्योंग मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, क्या आयन को मैं याद हूँ भी या नहीं? जोंगकुक अपने ह्योंग के साथ बात कर ही रहा था, तभी ड्राइवर कहता है, सर हम पहुँच गए। जोंगकुक कहता है, ह्योंग मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ओके? ये कहकर जोंगकुक तुरंत कॉल कट कर देता है। जिमिन कहता है, ओके तुम अपना ख्याल रखना। हेलो जोंगकुक, उसने कॉल कट कर दिया। तयंग लिविंग रूम में बैठकर मोबाइल में कुछ कर रहा था, तभी डोरबेल बजता है। तयंग मेड से डोर ओपन करने के लिए कहता है, जैसी डोर ओपन कर दरवाजे के बाहर जोंगकुक को खड़ा देखकर हैरानी से डोर के पास खड़े होकर उसे आंखें बड़ी करके घूरने लगती हैं। तयंग को पता है इस वक्त डोर के बाहर कौन है, फिर भी तयंग जैसी से पूछता है, कौन है बाहर? जैसी कहती है, मास्टर वो। तयंग काउच पर से उठकर चलकर खुद ही डोर के पास आ जाता है। जोंगकुक तयंग के टॉल हैंडसम फीचर्स को देखकर उस पर से अपना आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। डार्क ब्लू ड्रेस में तयंग हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, जोंगकुक के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। तयंग किलर स्माइल करके कहता है, व्हाट अ सरप्राइज मिस्टर जियोन। जोंगकुक के हाथ में कई तरह के सेवरल बैग्स देखकर तयंग आई ब्राउज ऊपर कर लेता है। जोंगकुक खुद को कंट्रोल करके कहता है, गुड मॉर्निंग, वो मैं बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आया था। जोंगकुक बैग्स जैसी के हाथ में देखकर अंदर ले जाने के लिए कहता है। जैसी तयंग के डर से चुपचाप सारे बैग्स हाथ में लिए डोर के पास ही खड़ी थी। तयंग कहता है, इसे अंदर ले जाओ। मिस्टर जोन प्लीज़ कम इनसाइड। जोंगकुक अंदर आकर आसपास नजरें घुमाने लगता है। तयंग कहता है, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? जोंगकुक कहता है, नहीं तो तुम ये मत सोचना कि मैं यह किड से मिलने के लिए आया हूँ, मैं तो बस यहाँ काम की बातें करने के लिए आया हूँ। तयंग जोंगकुक को बैठने का इशारा करता है। जोंगकुक बैठकर फिर से चारों तरफ नजरें घुमाने लगता है। तयंग कहता है, मुझे लगा तुम मना कर दोगे क्योंकि तुम अभी सिंगापुर आए हो, इतना ट्रैवलिंग के बाद तुम बहुत थक गए होंगे ना, तो
तुम्हें तो घर पर रहकर आराम करना चाहिए था। लिटिल ब्यूटी, क्या तुम्हारे लिए अपने पति को करीब से देखना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जंगकुक कहता है, ए तुम क्या बोल रहे हो, मैं यहाँ तुम्हें देखने के लिए नहीं आया हूँ। खुद को इतना इम्पोर्टेंस मत दो। और क्या कहा तुमने? हस्बैंड, अपने शब्द को करेक्ट करो। तुम अब मेरे हस्बैंड नहीं हो, ये शब्द अब पास्ट हो चुका है। तयंग कहता है, तो तुम यहाँ बच्चों से मिलने के लिए आए हो, राइट? जंगकुक कुछ नहीं कहता। तभी सीरियो से आयन हाथ में बास्केटबॉल लिए नीचे आ रहा था एंड लिविंग रूम में अपने डैड को किसी के साथ बात करते देख जल्दी से नीचे आ जाता है। आयन तयंग के पास आकर उसे हक करता है और उसके गल पर किस करता है। उसके बाद प्यार से कहता है, गुड मॉर्निंग डैड, क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? तयंग कहता है, नो, आई एम वेटिंग फॉर माई बेबी। जंगकुक प्यार भरी आंखों से आयन को तयंग के साथ बातें करते हुए देख रहा था। आयन जंगकुक के तरफ देखकर अपने डैड से पूछता है, डैड, ये अंकल कौन है? आयन के मुंह से अंकल सुनकर जंगकुक के दिल में पेन फील होता है। तयंग जंगकुक के हर एक्सप्रेशन को अच्छे से नोट कर रहा था। तयंग कहता है, बेबी, ये मेरा न्यू बिजनेस पार्टनर है और एक कोरिया से यहाँ हमारे साथ काम करने के लिए आया है। आयन कहता है, ओह आई सी, इट्स रियली रेयर गेस्ट डैड। तयंग कहता है, या आयन, बेबी अंकल को हेलो बोलो। जंगकुक आयन से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे की ओर बढ़ा देता है। तभी आयन बहुत ही रूड वे में जंगकुक और उसके हाथ को पूरी तरह इग्नोर करके कहता है, आई कंट टॉक अबाउट रेयर गेस्ट डैड, यू नो मी वेरी वेल। ए कहकर एंड बास्केटबॉल लेकर लिविंग रूम से निकालकर प्ले ग्राउंड की तरफ जाने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा एम्बरेस फील कर रहा था। जंगकुक वापस अपने हाथ को थाइस पर रख लेता है। वो खुद को रोने से रोक रहा था। तभी तयंग मिस हान को बुलाकर कहता है, हेयर इज तेसिया। मिस हान जंगकुक को देखकर शॉक हो जाती है। मिस हान खुद को संभाल कर कहती है, यंग मास्टर। तयंग फिर से कहता है, हेयर इज द चाइल्ड। मिस हान कहती है, सॉरी मास्टर, आई डोंट नो, मैं अभी ऊपर जाकर चेक करती हूँ। तयंग कहता है, थोड़ी देर पहले तो तेसिया लिविंग रूम में खेल रही थी। तेसिया के सारे टॉयज भी सोफे पर छोड़ दिया, ढूंढो तेसिया कहाँ है। जंगकुक अंदर ही अंदर पैनिक हो रहा था, लेकिन वो तयंग के सामने एक शो नहीं कर पा रहा था। हन ऊपर जाकर तेसिया को ढूंढने लगती है। तयंग जंगकुक से डीप वॉइस में कहता है, पैनिक। जंगकुक कुछ नहीं बोल रहा था। तयंग फिर से कहता है, एक्चुअली तेसिया डजंट लाइक टू सी स्ट्रेंजर। तेसिया अनजान लोगों के सामने आने से घबराती है, डर जाती है, उसे स्ट्रेंजर पसंद नहीं है। एट दिस पॉइंट मुझे तुमसे कुछ भी हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ अ लिटिल गर्ल नाउ, मैं काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता हूँ और मॉम का हालात तो तुम जानते ही हो, इसलिए आयन और तेसिया के देखभाल के लिए घंटों के हिसाब से नैनीस को हायर किया है। तेसिया इज़ वेरी अफेयर टू सी स्ट्रेंजर्स, यू नो, अगर अचानक उसने किसी अनजान को देख लिया तो वो खुद को कमरे में लॉक कर लेती हैं और बाहर आने से मना करती हैं। जंगकुक कहता है, तेसिया लिटिल है, तुम्हें उसे टाइम देना चाहिए। तयंग कहता है, जितना मुझसे होता है मैं कोशिश करता हूँ, मैं तेसिया के मादर के तरह नहीं हूँ जो उसे छोड़कर भाग गया है। जंगकुक आंखें नीचे कर लेता है। जैसी कहती है, मास्टर नाश्ता लगा दिया है, जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। तयंग कहता है, कम एंड हैव अ ब्रेकफास्ट विथ मी। जंगकुक कहता है, नहीं मैं नाश्ता करके आया हूँ। तयंग कहता है, वहाँ बैठकर मुझे कंपनी तो दे सकते हो, है ना, कंपनी दे देना, चलो मेरे साथ। जंगकुक तयंग के फोर्स करने पर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। तयंग जंगकुक के लिए ग्लास में बनाना मिल्क पोर करके उसे देता है। जंगकुक कहता है, थैंक्स। तयंग बातों बातों में ध्यान नहीं दिया और नाश्ते में मशरूम का बना हुआ सलाद खाने जा रहा था। तभी जंगकुक कहता है, इसे मत खाना। जंगकुक के लाउड वॉइस सुनते ही कन्फ्यूज्ड लुक से उसे देखने लगता है। जंगकुक कहता है, वो इसमें मशरूम है इसलिए। तयंग कहता है, तो
तुम्हें अभी तक ये याद है? मशरूम खाने से मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? जोंगकुक कहता है, तुम बातों को घुमाकर फिर से कहाँ लेकर जा रहे हो? तेई, आयान क्या वो मुझे भूल गया है? तेयंग कहता है, व्हाट डू यू थिंक? तुमने जब उसे छोड़कर गया तब वो कितने साल का था? जाहिर सी बात है, अब वो तुम्हें नहीं पहचानता है। जोंगकुक के आंखें लाल होने लगता है। तेयंग कहता है, तुम्हारे आंखों को क्या हुआ है? जोंगकुक कहता है, कुछ नहीं, कल नींद नहीं आई, शायद इसीलिए लाल हो गया है, जलन हो रहा है आंखों में। डिड द चाइल्ड गो टू किंडरगार्टन? आई मीन, क्या आयान और तेसिया किंडरगार्टन में जाता है? तयंग स्माइल करके कहता है, तुम खुद ही स्कूल में जाकर क्यों नहीं देख लेते? स्कूल कैसा है? वहाँ का एनवायरनमेंट और स्टडीज सब कुछ देखना चाहिए तुम्हें। आखिरकार तेसिया और आयान तुम्हारा भी चाइल्ड है। जोंगकुक कहता है, ठीक है, लेकिन मैंने सुना है तुम नेक्स्ट मंथ कोरिया शिफ्ट करने वाले हो, तो क्या तुमने कुछ सोचा है? वहाँ जाकर तुम बच्चों को कौन सी स्कूल में एडमिशन दिलाने वाले हो? तयंग कहता है, क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई आइडिया है? डू यू ऑलरेडी हैव ए गुड प्लेस टू रिकमेंडेड टू मी? जोंगकुक अपने पॉकेट से किंडरगार्टन के एक एनरोलमेंट निकाल कर तयंग के सामने रखता है। तयंग इसे अपने हाथ में लेकर उस पर नज़र घुमाकर मन ही मन सोचता है, ये तो वही स्कूल है जिसका नाम जिन ने भी उसे सजेस्ट किया था और जेहोप ने भी। एक कोरिया के सभी लार्जेस्ट प्राइवेट किंडरगार्टन है। तयंग इसे देखकर टेबल के ऊपर रख देता है और लैपटॉप में कुछ प्ले कर जोंगकुक को शो करता है, इसे देखो, ये उससे भी ज़्यादा बेटर और अच्छा है। जोंगकुक सभी फैसिलिटीज़ को चेक करता है। स्कूल उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन इट इज़ वेरी क्लोज टू किम ग्रुप। स्कूल तयंग के ऑफिस से बहुत ज़्यादा नज़दीक था। जोंगकुक मन ही मन कहता है, ही इज़ ऑल्सो सेल्फिश। तयंग बहुत स्मार्ट है, उसके साथ डील करना ईजी नहीं है। जोंगकुक लैपटॉप तयंग के साइड में पुश करके कहता है, डोंट वरी, आई वॉन्ट सी माई डॉटर एंड सन विदाउट योर परमिशन। तयंग कहता है, इट्स ऑल राइट, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू बेबी बॉय। क्या तुम्हें पता है आयन पेंटिंग और कैलीग्राफी में बहुत अच्छा है और बॉक्सिंग में भी इंटरेस्ट ले रहा है। यू कैन गो एंड हैव ए लुक व्हेन यू आर फ्री, ओके? जब तुम फ्री हो तब तुम खुद जाकर उसे पेंटिंग और कैलीग्राफी करते हुए देखना, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। जोंगकुक के आँखों से अब आंसू बाहर निकालने लगता है। तयंग कहता है, कुकी आर यू ऑल राइट? जोंगकुक सर नीचे करके बैठा हुआ था। जोंगकुक मन ही मन कहता है, आई हेट माई सेल्फ, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता, मैंने कितना कुछ मिस कर दिया। मेरा आयान, उसे तो अब याद भी नहीं हूँ मैं। आयान बिल्कुल तयंग की तरह देखता है, स्मार्ट, गुड लुकिंग, आंखें अभी भी इनोसेंटली देखता है। अब अभी वो 6 साल का हो गया है। तयंग तुरंत जोंगकुक के हाथ के ऊपर हाथ रख देता है। ते मन ही मन सोचता है, मैंने कैसे कुकी के आंखों में पेन को नहीं देख पाया, जरूर उसे दर्द हो रहा होगा। तयंग कहता है, इट्स ओके बेबी बॉय, आयन और तेसिया दोनों ठीक हैं। जोंगकुक कुछ नहीं कह रहा था। ओके, आई एम सो सॉरी, आई एम रूड, प्लीज डोंट क्राई। मिस हान बाहर आकर कहती है, मास्टर, लिटिल प्रिंसेस कमरे से बाहर नहीं आना चाहती है। जोंगकुक कहता है, अगर तेसिया को स्ट्रेंजर से डर लगता है तो उसे फोर्स मत करो, उसे थोड़ा टाइम दो, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं अभी चलता हूँ, ये कहकर जोंगकुक उठकर खड़े हो जाता है। तभी आयान जेहोप के साथ लिविंग रूम में एंटर करता है। जेहोप अंदर आकर स्माइल कर तयंग से जाकर गले मिलता है। जेहोप कहता है, हाउ आर यू? तयंग के आंखें तो बस अपने लिटिल म्यूट पर ही टिकी थी। जोंगकुक के फेशियल एक्सप्रेशन देखने लायक हो गया था। कोई भी उसे देखकर ये बता देगा कि उसे जेहोप से जलन हो रहा है। तयंग कहता है, व्हाट अ सरप्राइज, नाइस टू मीट यू। जेहोप कहता है, डिड यू मिस मी? तयंग कहता है, यस, आई मिस यू अ लॉट। जोंगकुक मन ही मन कहता है, ये आदमी कौन है और ते इसके साथ इतना चिपक क्यों रहा है? जेहोप जोंगकुक के तरफ देखकर पूछता है, ये कौन है?
टैंक के कुछ कहने से पहले आयान कहता है, डैड के न्यू बिजनेस पार्टनर राइट मिस्टर? जोंगकुक कहता है, माई नेम इज़ जियोन जोंगकुक। आयान कहता है, नाइस नेम बट ये बहुत लंबा है। आई कॉल यू जे, एनी प्रॉब्लम मिस्टर जे? जोंगकुक कहता है, नो प्रॉब्लम। रेहोब कहता है, तैयंग वेयर इज़ माई लिटिल डॉटर? तैयंग कहता है, ऊपर चिप कर बैठी है। रेहोब कहता है, ओके मैं जाकर देखता हूँ। जोंगकुक मनी मन सोचता है, मैंने कभी इस आदमी को नहीं देखा, एक कौन है और तैयंग से इसका क्या रिश्ता है? और तेईसिया उसके साथ फ्रेंडली है और आयान भी, क्या तैयंग फिर से किसी रिलेशनशिप में है? जेहोब ऊपर जाने लगता है। जोंगकुक आयान के सामने घुटनों पर बैठकर कहता है, तुम्हें गन टॉयज बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए गन टॉयज लेकर आया हूँ। आयान कहता है, आई जस्ट हेट दिस टाइप ऑफ शीट मिस्टर जे। जोंगकुक के मुंह खुला के खुला ही रह जाता है। आयान का वर्ड बहुत ही ज़्यादा हार्श था। जोंगकुक कहता है, तो तुम्हें कौन सी टॉयज पसंद है? आयान कहता है, मैं स्ट्रेंजर्स से कुछ भी लेना पसंद नहीं करता। जेहोब तेईसिया को लेकर लिविंग रूम में आ जाता है। तैयंग कहता है, आयान बिहेव, लुक तुम्हारी सिस्टर आ गई है, उसके सामने इस तरह से बात मत करो। जोंगकुक तेईसिया से आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। तेईसिया बिल्कुल एक लिटिल फेरी जैसा लग रहा है। जोंगकुक चलकर जेहोब के पास आकर कहता है, कैन आई, क्या मैं उसे होल्ड कर सकता हूँ? जेहोब कहता है, यस योर। जेहोब जैसे ही तेईसिया को जोंगकुक के गोद में देने के लिए जाता है, आयान बीच में आकर खड़े होकर कहता है, डोंट टच माई सिस्टर मिस्टर जे, उसे स्ट्रेंजर लोग पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता मेरी बहन डर कर रोना चालू कर दे। तेईसिया लिप्स पाउट कर अपने बिग डोई आइज से अपने मम्मा को घूर रही थी। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।